इंडिया द्वारा अपने गगन नॉट्स के स्पेस सूट के लिए फ्रांस के अल्फा मिशन के इक्विपमेंट को क्यों यूज़ किया जाएगा? स्पेस एक्स नहीं कर पाया एक साथ दो फॉल्कन 9 रॉकेट्स को लॉन्च। क्या सच में पृथ्वी का इनर कोर पृथ्वी के फॉर्म होने के 3 बिलियन ईयर बाद हुआ था सॉलिड? और क्यों वैज्ञानिक इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की खोज कर रहे हैं? आज के स्पेस अपडेट सीरीज के एपिसोड में हम इन्हीं स्पेस अपडेट्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आज की पहली अपडेट भारत के गगनयान मिशन से एस्ट्रोनॉट सूट को लेकर आए। भारत द्वारा अपने पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के लिए पूरी तैयारियां करी जा रही हैं और अब गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजे जाने वाले भारत के गगननॉट्स के स्पेस सूट के लिए भारत ने फ्रांस से मदद मांगी है। यह असल में फ्रांस से मदद मांगना नहीं है, बल्कि भारत द्वारा रशिया और फ्रांस के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने पर साइन किया हुआ एग्रीमेंट है, जो कि फ्रांस और रशिया के साथ किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रांस भारत को उसके मिशन अल्फा के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्क्वेट के स्पेस सूट की नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। यह टेक्नोलॉजी अभी फ्रांस के द्वारा भी टेस्ट करी जा रही है और जब इसके सभी टेस्ट पूरे हो जाएंगे तब यह टेक्नोलॉजी भारत को भी दी जाएगी, जो कि गगननॉट्स के स्पेस सूट को डेवलप करने के काम में लाई जाएगी। आपने लगभग हर एक चैनल की अपडेट में अल्फा मिशन के बारे में सुना होगा, मगर ये अल्फा मिशन क्या है यह किसी ने भी डिटेल में नहीं बताया। यह जो अल्फा मिशन है वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्क्वेट को दोबारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने वाले मिशन का नाम है, जो कि अर्थ के नेबर स्टार अल्फा सेंचुरी के नाम पर रखा गया है। और यह जो थॉमस पेस्क्वेट हैं, यह है 2021 के मार्च महीने में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सेकेंड क्रू ड्रैगन मिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट करे गए हैं। बाकी स्पेस एक्स का जो पहला क्रू 1 मिशन है वह अक्टूबर 23 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और गगनयान मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट या मॉड्यूल होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी रूस की ग्लोब कॉस्मोस कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन को इसरो को सौंप दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार के स्पेस मॉड्यूल के टेम्परेचर और उसके प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को इसरो को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते ट्रांसफर किया गया है और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसरो द्वारा इसके रिगार्डिंग अपने सवालों को भी पूछा गया था। साथ ही ग्लोब कॉस्मोस ने इसरो को गगनयान मॉड्यूल में रशियन इक्विपमेंट को यूज करने का भी ऑफर दिया है। अब इसरो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं यह तो आगे पता चल ही जाएगा। बाकी रशिया में चल रही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी। आज की दूसरी अपडेट स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने कल के एपिसोड में यह बताया था कि स्पेस एक्स द्वारा एक ही दिन में दो फॉल्कन 9 रॉकेट्स को लॉन्च करने का प्लान किया गया है, जिनमें से एक साउकॉम 1B सैटेलाइट और दूसरा स्टारलिंक सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करेगा। लेकिन जिस लॉन्च को 10:12 AM EDT मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 30 अगस्त को 7:42 PM पर लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था वह खराब वेदर के चलते कैंसिल कर दिया गया है और अब यह लॉन्च मंगलवार यानी 1 सितंबर को करे जाने की उम्मीद है। पर सेकेंड फॉल्कन 9 रॉकेट साउकॉम 1B सैटेलाइट को लेकर सक्सेसफुली केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से 7:80 PM EDT मतलब आज यानी 31 अगस्त 2020 को 4:45 AM IST पर लॉन्च हो चुका है। और इस फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अर्जेंटीना की साउकॉम 1B सैटेलाइट के साथ दो स्मॉल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया, जिनमें से एक प्लेनेट IQ कंपनी की ग्नोमैस 1 सैटेलाइट है, जो कि एक वेदर सैटेलाइट है, और दूसरी सैटेलाइट टाइवेक नैनो सैटेलाइट सिस्टम द्वारा बिल्ट करी गई टाइवेक 0172 सैटेलाइट है। और इस फॉल्कन 9 रॉकेट का बूस्टर कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन के लैंडिंग जोन 1 में आज लैंडिंग करेगा। साउकॉम 1B सैटेलाइट को लॉन्च के 15 मिनट के बाद अपने ऑर्बिट में प्लेस करा गया। साथ ही ग्नोमैस 1 और टाइवेक 0172 सैटेलाइट को लॉन्च के 61 और 62 मिनट्स के बाद इनके ऑर्बिट में प्लेस करा गया। आज की तीसरी अपडेट अर्थ के मैग्नेटिक कोर को लेकर है। एक
नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने अर्थ के कोर पर एक एक्सपेरिमेंट करके यह पता लगाया है कि पृथ्वी का कोर कितना पुराना है। 2442 किलोमीटर के डायमीटर वाले आयरन बॉल, जिसको कि हम कोर बोलते हैं, की एज का पता लगाने के लिए रिसर्च में अर्थ के कोर को एक टिनी स्केल पर रिक्रिएट करा गया और यह है 6 माइक्रोन के एक आयरन पीस को 2727 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद इसको अर्थ के कोर में मौजूद प्रेशर के जैसा बनाने के लिए 2 डायमंड्स के बीच में रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट की रिसर्च की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जियोडायनमो पावर के बीच थर्मल कूलिंग की स्टडी करी गई और पाया कि अर्थ पर होने वाले इस प्रोडक्टिविटी, जिसको कि जियोडायनमो कहते हैं, से 10 टेराबाइट्स की एनर्जी जनरेट हुई, जो कि पृथ्वी द्वारा स्पेस में अपनी हीट को रिलीज करने के 1/5 जितनी थी। और अर्थ के कोर में आई एनर्जी की कमी को मेजर करते हुए वैज्ञानिकों ने अर्थ के कोर को सॉलिड मोल्टन आयरन बॉल बनने में कितना समय लगा होगा, इसका पता लगाया। और इस रिसर्च में यह पाया गया कि हमारी पृथ्वी का कोर 1 से 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने कहा कि यह 700 मिलियन ईयर्स ओल्ड भी हो सकता है। यह केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि अर्थ ने कितनी एनर्जी लूज करी है और इसके कोर को सॉलिडिफाई होने में कितना समय लगा होगा। आज की चौथी अपडेट वैज्ञानिकों द्वारा इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल्स की डिस्कवरी को लेकर है। जैसा कि आपने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और स्मॉल ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, जिनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स में फीड होकर सुपर मैसिव बनकर लगभग हर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, वहीं स्मॉल ब्लैक होल्स जायंट स्टार्स के डेथ होने पर बनते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों द्वारा इन दो प्रकाश के ब्लैक होल्स के बीच के ब्लैक होल्स, जिनको इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स कहते हैं, की डिस्कवरी करने की कोशिश करी जा रही है। और रिसर्चर्स का यह कहना है कि इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की डिस्कवरी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की मिस्ट्री को सुलझाने में काफी मदद करेगी। और अब इन्हीं इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल्स की डिस्कवरी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि स्मॉल और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के ओरिजिन का पता तो एक बार लगाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल्स का पता लगाना अभी बाकी है। इनको डिस्कवर करने के लिए वैज्ञानिक ग्लोबुलर क्लस्टर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ग्लोबुलर क्लस्टर डाइंग स्टार्स की बॉल्स होती हैं, जो कि गैलेक्सी के सेंटर में ऑर्बिटिंग करती हैं। इन ग्लोबुलर क्लस्टर में वैज्ञानिक यह अंदेशा लगा रहे हैं कि इन स्टार्स के डेथ होने से इनमें बनने वाले ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होकर एक मीडियम साइज के ब्लैक होल को फॉर्म करते होंगे, और यह मीडियम साइज का ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल की ऑर्बिटिंग करते और तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई तीसरा इंटरमीडिएट साइज का ब्लैक होल इनके ऑर्बिट को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इंटरमीडिएट साइज के ब्लैक होल्स के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की ऑर्बिटिंग करने से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि इन ब्लैक होल्स का पता लगाया जा सके। लेकिन अभी ऐसा होने में टाइम है, क्योंकि प्रेजेंट में जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लाइक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो है, वह इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की वेव सेंसिटिविटी को डिटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन नए डिटेक्टर्स की जल्द ही बनने की उम्मीद है, और जो लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है, वह IMBH मतलब इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि लीगो के द्वारा इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन लीगो के द्वारा केवल उन्हीं ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है जिनका मास 100 सोलर मासेस के इक्वल है। बाकी आप इन इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।